मैंने तुम्हें बैठने को कहा? नहीं तो। खड़ी रहो। जी। तुम जैसी औरतों को इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। अभी तक जुबान नहीं काटी मैंने तुम्हारी, जो तुम बुत बनी खड़ी हो। क्या कहा मैंने? मेरी जैसी औरतों को इज्जत देनी नहीं चाहिए। शाबाश, तुम जैसी औरतों को इज्जत इसलिए नहीं देनी चाहिए कि तुम जैसी औरतें वही कुछ करती हैं जो तुमने किया है, जो तुम्हारी बहू कर रही है। जी? क्यों अपनी इंसल्ट करवा रही है इस तरह खड़े होके? चले यहां से। उसकी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं। खुला लो और यहां से दबाओ। सौदा बुरा नहीं है। मैं आपकी तरह रिश्तों के सौदे नहीं करती। चले अम्मी। रुक जाओ, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। वापस आओ। आपको एक बात पता है अम्मी, आज उमेर जैसा है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आप है और आपकी खामोशी भी है। अरे मीर साहब का रवैया जो आपके साथ है वो तो इंसानियत की तजलील है। अगर घर में एक बच्चा अपनी माँ के साथ ये सुलूक होते हुए देखेगा वो इंसान की इज्जत कैसे करेगा? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ अम्मी? इज्जत हमारे पास चलकर खुद नहीं आती, हमें इज्जत के पास खुद चल के जाना पड़ता है, अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। और जिस इंसान को अपने कैद खाने की दीवारों से प्यार हो जाए वो कभी खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। कम से कम आप जवाब तो दे सकती थी।